जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फ्लिपकार्ट ई वाउचर को रिडीम कर सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपके फ्लिपकार्ट ई वाउचर से रिलेटेड जितने भी डाउट है इस वाली वीडियो में सारे के सारे क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि आपको एक डाउट सबसे ज़्यादा आने वाला होगा कि अगर आपके पास कोई वाउचर वो 1000 रुपये का, अगर उससे कम में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लेते हो, मान लो 500 रुपये का प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो बाकी बचे हुए 500 रुपये का क्या होगा, क्या आप उसको यूज़ कर पाएंगे या फिर वो आपके मतलब एक तरह से वेस्ट हो जाएंगे। तो ये सब तरह के जो भी डाउट आपको ई वाउचर से रिलेटेड वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ और विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ रहता है इसके बाद में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कम में खरीदते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप फ्लिपकार्ट ई वाउचर को रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि SBI कार्ड ऐप से कैसे आप फ्लिपकार्ट ई वाउचर को बाय कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी, बहुत अच्छे से मैंने सारी बातें समझाई है बताई है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो फ्लिपकार्ट ऐप में जाने के बाद अपना प्रोडक्ट उसको सर्च कीजिए जो भी आपको बाय करना है, और उसको सर्च करने के बाद उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद आप ऐड टू कार्ड कर सकते हैं या फिर बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और स्किप या कंटिन्यू, उसको स्किप कंटिन्यू करके आप आगे की फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर समरी में आप यहाँ पे समरी देख सकते हैं ऑर्डर की। तो यहाँ पे सुपर कॉइन भी मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सुपर कॉइन पड़े हैं, 36 मैं सुपर कॉइन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद में जो प्राइस बचता है वो है 683, यानी इतना प्राइस मेरे को देना पड़ेगा, टोटल 719 रुपये था। इसके बाद यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह चेक कर लीजिए, ऑर्डर समरी देखने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद पेमेंट वाले ऑप्शन में आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वाउचर नंबर और वाउचर पिन बोला जाएगा, मतलब दिखाएगा ये, तो आपको वाउचर नंबर फिल कर देना है और उसके बाद में वाउचर पिन फिल कर देना, जो कि आपको आपके मैसेज में या फिर ईमेल में मिला होगा, या फिर अगर आपके पास मतलब हार्ड कॉपी में अगर आपके पास वाउचर है तो उसमें होगा। तो पिन और वाउचर नंबर दोनों यहाँ पे फिल कर दीजिए अच्छे से, और उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो वाउचर था वो 1000 रुपये का था, तो उसमें से 683 रुपये यहाँ पे लग चुके हैं इस प्रोडक्ट को बाय करने में। 36 थे वो तो मेरे सुपर कॉइन से ही लगे हैं, तो 683 वो हो गए, बाकी बच गए 317 रुपये। तो वो 317 रुपये उसी वाउचर में बच जाएंगे, मैं उसको दोबारा भी यूज़ कर सकता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये एक हम वायरलेस ईयरबड है, इसको बाय कर लेते हैं रियलमी का, तो इसको बाय करेंगे तो ये 1499 रुपये इसकी प्राइस है। कंटिन्यू करते हैं, पेमेंट मेथड पे जाते हैं, यहाँ पे फिर से हम गिफ्ट कार्ड वाले ऑप्शन में वाउचर नंबर वही सेम, वाउचर नंबर और पिन हम फिल करेंगे, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 1499 में से 317 रुपये गिफ्ट कार्ड से कट गए, बाकी 1182 रुपये की मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से आप जो भी वाउचर होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो वाउचर आपको मिलता है उसकी एक वैलिडिटी होती है, एक्सपायरी डेट होती है, उस डेट से आपको पहले पहले उस वाउचर को यूज़ कर लेना है, चाहे आप एक बार में यूज़ करो चाहे आप मल्टीपल टाइम्स में यूज़ करो। तो उससे पहले अगर आप यूज़ कर लेते हो तो सही है, अदरवाइज़ वो एक्सपायर हो जाए फिर उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो जो भी वाउचर है वो कृपया ध्यान रखें आप कि उसको एक्सपायरी डेट से पहले पहले यूज़ कर लें, और आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1000 रुपये का वाउचर उससे कम का कोई भी प्रोडक्ट बाय करें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरे के पूरे वाउचर से कट हो जाएंगे। उसके बाद जो भी बाकी पैसे बचेंगे वो आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करेंगे तब। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सब कुछ, फ्लिपकार्ट ई वाउचर को कैसे रिडीम करना है, और अगर आप उसको रिडीम करते हैं मतलब जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर से दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।